उत्तर गीता दूसरा अध्याय। काश्यप के प्रश्नों के उत्तर में सिद्ध महात्मा द्वारा जीव की विविध गतियों का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तदंतर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ काश्यप ने उन सिद्ध महात्मा के दोनों पैर पकड़कर, जिनका उत्तर कठिनाई से दिया जा सके, ऐसे बहुत से धर्मयुक्त प्रश्न पूछे। काश्यप ने पूछा, महात्मन, यह शरीर किस प्रकार गिर जाता है? यह दूसरा शरीर कैसे प्राप्त होता है? संसारी जीव किस तरह इस दुखमय संसार से मुक्त होता है? जीवात्मा प्रकृति अर्थात मूल विद्या और उससे उत्पन्न होने वाले शरीर का कैसे त्याग करता है? और शरीर से छूटकर दूसरे में वह किस प्रकार प्रवेश करता है? मनुष्य अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल कैसे भोगता है, और शरीर न रहने पर उसके कर्म कहाँ रहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं, श्री कृष्ण, काश्यप के इस प्रकार पूछने पर सिद्ध महात्मा ने उनके प्रश्नों का क्रमशः उत्तर देना आरंभ किया, वह मैं बता रहा हूं, सुनिए। सिद्ध ने कहा, काश्यप, मनुष्य इस लोक में आयु और कीर्ति को बढ़ाने वाले जिन कर्मों का सेवन करता है, वे शरीर प्राप्ति में कारण होते हैं। शरीर ग्रहण के अनंतर जब वे सभी कर्म अपना फल देकर क्षीण हो जाते हैं, उस समय जीव की आयु का भी क्षय हो जाता है। उस अवस्था में वह विपरीत कर्मों का सेवन करने लगता है और विनाशकाल निकट आने पर उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है। वह अपने सतत्व अर्थात धैर्य, बल और अनुकूल समय को जानकर भी मन पर अधिकार न होने के कारण असमय में तथा अपनी प्रकृति के विरुद्ध भोजन करता है। अत्यंत हानि पहुंचाने वाली जितनी वस्तुएं हैं उन सबका वह सेवन करता है। कभी तो बहुत अधिक खा लेता है, कभी बिल्कुल ही भोजन नहीं करता है। कभी दूषित खाद्य अन्न पान को भी ग्रहण कर लेता है। कभी एक दूसरे के विरुद्ध गुण वाले पदार्थों को एक साथ खा लेता है। किसी दिन गरिष्ठ अन्न और वह भी बहुत अधिक मात्रा में खा जाता है। कभी कभी एक बार का खाया हुआ अन्न पचने भी नहीं पाता कि दोबारा भोजन कर लेता है। अधिक मात्रा में व्यायाम और स्त्री संभोग करता है। सदा काम करने के लोभ से मल मूत्र के वेग को रोके रहता है। रसीला अन्न खाता और दिन में सोता है, तथा कभी कभी खाए हुए अन्न के पचने के पहले असमय में भोजन करके स्वयं ही अपने शरीर में स्थित वात पित्त आदि दोषों को कुपित कर देता है। उन दोषों के कुपित होने से वह अपने लिए प्राणनाशक रोगों को बुला लेता है, अथवा फांसी लगाने या जल में डूबने आदि शास्त्र विरुद्ध उपायों का आश्रय लेता है। इन्हीं सब कारणों से जीव का शरीर नष्ट हो जाता है। इस प्रकार जो जीव का जीवन बताया जाता है उसे अच्छी तरह समझ लो। शरीर में तीव्र वायु से प्रेरित हो पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है और वह शरीर में फैलकर समस्त प्राणों की गति को रोक देता है। इस शरीर में कुपित होकर अत्यंत प्रबल हुआ पित्त जीव के मर्म स्थानों को विदीर्ण कर देता है। इस बात को ठीक समझो। जब मर्म स्थान छिन्न भिन्न होने लगते हैं, तब वेदना से व्यथित हुआ जीव तत्काल इस जड़ शरीर से निकल जाता है, उस शरीर को सदा के लिए त्याग देता है। द्विज श्रेष्ठ, मृत्यु काल में जीव का तन मन वेदना से व्यथित होता है, इस बात को भलीभांति जान लो। इस समय संसार के सभी प्राणी सदा जन्म और मरण से उद्विग्न रहते हैं। विप्रवर, सभी जीव अपने शरीर का त्याग करके देखे जाते हैं। गर्भ में मनुष्य प्रवेश करते समय तथा गर्भ से नीचे गिरते समय भी वैसी ही वेदना का अनुभव करता है। मृत्युकाल में जीवों के शरीर की संधियां टूटने लगती हैं और जन्म के समय वह गर्भस्थ जल से भीगकर अत्यंत व्याकुल हो उठता है। अन्य प्रकार की तीव्र वायु से प्रेरित हो शरीर में सर्दी से कुपित हुई जो वायु पांचों भूतों में प्राण और अपान के स्थान में स्थित है, वही पंच भूतों के संघात का नाश करती है, तथा वह देहधारियों को बड़े कष्ट से त्याग कर ऊर्ध्व लोक को चली जाती है। इस प्रकार जब जीव शरीर का त्याग करता है
तब प्राणियों का शरीर उच्छ्वासहीन दिखाई देता है। उसमें गर्मी, उच्छ्वास, शोभा और चेतना कुछ भी नहीं रह जाती। इस तरह जीवात्मा से परित्यक्त उस शरीर को लोग मृत, मरा हुआ कहते हैं। देहधारी जीव जिन इंद्रियों के द्वारा रूप, रस आदि विषयों का अनुभव करता है, उनके द्वारा वह भोजन से परिपुष्ट होने वाले प्राणों को नहीं जान पाता। इस शरीर के भीतर रहकर जो कार्य करता है वह सनातन जीव है। कहीं कहीं संधि स्थानों में जो जो अंग संयुक्त होता है उसको तुम मर्म समझो, क्योंकि शास्त्र में मर्म स्थान का ऐसा ही लक्षण देखा गया है। उन मर्म स्थानों संधियों के विलग होने पर वायु ऊपर को उठती हुई प्राणी के हृदय में प्रविष्ट हो शीघ्र ही उसकी बुद्धि को अवरुद्ध कर देती है। तब अंतकाल उपस्थित होने पर प्राणी सचेतन होने पर भी कुछ समझ नहीं पाता, क्योंकि तम अर्थात अविद्या के द्वारा उसकी ज्ञान शक्ति आवृत हो जाती है, मर्म स्थान भी अवरुद्ध हो जाते हैं। उस समय जीव के लिए कोई आधार नहीं रह जाता और वायु उसे अपने स्थान से विचलित कर देती है। तब वह जीवात्मा बारंबार भयंकर एवं लंबी सांस छोड़कर बाहर निकलने लगता है। उस समय सहसा इस जड़ शरीर को कंपित कर देता है। शरीर से अलग होने पर वह जीव अपने किए हुए शुभ कार्य पुण्य अथवा अशुभ कार्य पाप कर्मों द्वारा सब ओर से घिरा रहता है। जिन्होंने वेद शास्त्रों के सिद्धांतों का यथावत अध्ययन किया है वे ज्ञान संपन्न ब्राह्मण लक्षणों के द्वारा यह जान लेते हैं कि अमुक जीव परमात्मा रहा है और अमुक जीव पापी। जिस तरह आंख वाले मनुष्य अंधेरे में इधर उधर उगते बुझते हुए खद्योग को देखते हैं, उसी प्रकार ज्ञान नेत्र वाले सिद्ध पुरुष अपनी दिव्य दृष्टि से जन्मते मरते तथा गर्भ में प्रवेश करते हुए जीव को सदा देखते रहते हैं। शास्त्र के अनुसार जीव के तीन प्रकार के स्थान देखे गए हैं, मृत्युलोक, स्वर्गलोक और नरक। यह मृत्युलोक की भूमि जहां बहुत से प्राणी रहते हैं कर्म भूमि कहलाती है। अतः यहां शुभ और अशुभ कर्म करके सब मनुष्य उसके फल स्वरूप अपने कर्मों के अनुसार अच्छे बुरे भोग प्राप्त करते हैं। यहीं पाप करने वाले मानव अपने कर्मों के अनुसार नरक में पड़ते हैं। यह जीव की अधोगति है जो घोर कष्ट देने वाली है। इसमें पड़कर पापी मनुष्य नरक अग्नि में पकाए जाते हैं। उससे छुटकारा मिलना बहुत कठिन है। अतः पाप कर्म से दूर रहकर अपने को नरक से बचाए रखने का विशेष प्रयत्न करना चाहिए। स्वर्ग आदि के ऊर्ध्व लोकों को जाकर प्राणी जिन स्थानों में निवास करते हैं उनका यहाँ वर्णन किया जाता है। इस विषय को यथार्थ रूप से मुझसे सुनो। इसको सुनने से तुम्हें कर्मों की गति का निश्चय हो जाएगा और नैष्ठिकी बुद्धि प्राप्त होगी। जहाँ ये समस्त तारे हैं, जहाँ वह चंद्रमंडल प्रकाशित होता है और जहाँ सूर्यमंडल जगत में अपनी प्रभा से उद्भासित हो रहा है, ये सब के सब पुण्य कर्मा पुरुषों के स्थान हैं, ऐसा जानो। पुण्यात्मा मनुष्य उन्हीं लोकों में जाकर अपने पुण्यों का फल भोगते हैं। जब जीवों के पुण्य कर्मों का भोग समाप्त हो जाता है तब वे वहां से नीचे गिरते हैं। इस प्रकार बारंबार उनका आवागमन होता रहता है। स्वर्ग में भी उत्तम, मध्यम और अधम का भेद रहता है। वहां भी दूसरों का अपने से बहुत अधिक दीप्तिमान, तेज एवं ऐश्वर्य देखकर मन में संतोष नहीं होता है। इस प्रकार जीव की इन सभी गतियों का मैंने तुम्हारे समक्ष पृथक पृथक वर्णन किया है। अब मैं यह बतलाऊंगा कि जीव किस प्रकार गर्भ में आकर जन्म धारण करता है। ब्राह्मण, तुम एकाग्रचित्त होकर मेरे मुख से इस विषय का वर्णन सुनो।